नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं और कॉलेज और जो कोचिंग सेंटर हैं वो 18 जनवरी से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज जो हैं इन्हें 11 जनवरी से ही खोलने के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। अब दोस्तों किस प्रकार से स्कूलों को खोला जाएगा, तो दोस्तों 18 जनवरी से खोलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, और जो मेडिकल स्टाफ है उनको 11 जनवरी से खोलने का आदेश जो है माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आदेश जो है आ चुका है। दोस्तों प्रत्येक कक्षा में 50% उपस्थिति पहले दिन होगी और बची हुई 50% उपस्थिति दूसरे दिन होगी, यानी कि एक समय में सिर्फ 50% स्टूडेंटों को ही अनुमति दी जाएगी। जैसे किसी कक्षा में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो पहले दिन 20 स्टूडेंट आएंगे, उसके बाद दूसरे दिन बचे हुए 20 स्टूडेंट आएंगे, यानी कि 40 के 40 स्टूडेंटों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। अब दोस्तों शिक्षकों को भी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो नया स्ट्रेन आ रहा है ये चिंता का विषय है। अभी स्कूलें जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोलने के आदेश आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों नया स्ट्रेन अगर बढ़ता है तो ये फिर से जो है बंद हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अशोक गहलोत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक 9 से 12 तक की कक्षाएं विश्वविद्यालय महाविद्यालय की जो अंतिम वर्ष की जो कक्षाएं हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं, जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनको 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश जो है दिए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आखिरकार 18 जनवरी से स्कूल खोलने के आदेश जो है दे चुके हैं। इसी के अलावा दोस्तों आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा है कि बेहतरीन प्रबंधन और प्रदेशवासियों की सहयोग से राजस्थान में कोरोना की स्थिति जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ चुकी है। रिकवरी रेट जो है लगातार बढ़ती जा रही है, रिकवरी रेट जो है 96.31 हो चुकी है। कुछ जिलों में पॉजिटिव केस जो है शून्य होने के साथ ही अलग अलग जिलों में स्थिति जो है काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इसी को देखते हुए कक्षा 9 से लेकर और कक्षा 12 तक की जो कक्षाएँ हैं और जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं इनकी अंतिम वर्ष की कक्षाएं, जो कोचिंग सेंटर हैं, जो सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनको 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश जो है दिए गए हैं। इसी के अलावा दोस्तों उन्होंने लिखा कि साथ ही जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के कारण जो मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, जो नर्सिंग कॉलेज और जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं इनको 11 जनवरी से खोलने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इन सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक कक्षा में कुल 50% उपस्थिति प्रथम दिन, शेष 50% उपस्थिति जो है दूसरे दिन रहेगी। वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट शिक्षकों को जरूरी प्रशिक्षण भी देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल जैसे मास्क आदि का शिक्षण संस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए। केंद्र की जो है सभी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कोरोना के नए स्ट्रेन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय में किसी भी प्रकार से लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है, इसको लेकर यात्रियों की खास मॉनिटरिंग की जाएगी। लंदन से इस नए स्ट्रेन के कारण स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है, उसके सबक लेते हुए हमें उससे पहले ही जो है सावधानी बरतनी चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों 15 जनवरी तक बरकरार रहेगा ये पाबंदियों का जो सिलसिला है। इसी के अलावा दोस्तों 13 जिलों में जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के शहरों में वाले क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह नाइट कर्फ्यू जो है रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके साथ साथ गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज और धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को अभी भी जो है 15 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं को खोलने को लेकर बड़ी खबर, जिसका लंबे समय से इंतजार चल रहा था वो 18 जनवरी को समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं और इसी प्रकार से पल पल की अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानना चाह रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और स्कूल खोलने के आप पक्ष में हैं या स्कूल नहीं खोलने चाहिए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।